शक्करपारे तो हर कोई घर पे बना के खाता है। आज हम बनाएंगे हैदराबाद में मिलने वाले बहुत ही स्पेशल खजूर। ये खजूर हम एकदम सही रेशो के साथ बनाएंगे, जिससे आपके जो खजूर हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे और एकदम एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे। तो रेसिपी को बिल्कुल मिस ना करें, आपको ये खजूर की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने कभी नहीं भी ट्राई किए हैं तो भी आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज की ये खजूर की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। खजूर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, यानी इसका आटा तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 कप जितना मैदा। अगर आप ये खजूर थोड़े हेल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी को घर में पीस लें, 1 कप हमें चीनी चाहिए होगी। 2 कप मैदा के हिसाब से 1 कप चीनी ले लें। इसी के साथ हमें चाहिए होगी 1/2 कप जितनी सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, यानी रवा। सूजी की वजह से ये बहुत ही क्रंची बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डाल देना है नारियल का बुरादा। आप चाहें तो नारियल को घिस के भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में रखा है तो। अब आपको यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे सीसम सीड्स। सीसम सीड्स की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे ज़रूर डालें। 1/4 कप डाले हैं मैंने। साथ ही में इलायची का पाउडर डाल देते हैं, हरी वाली इलायची का पाउडर डाल दें थोड़ा सा। और 2 पिंच जितना हमें बेकिंग पाउडर डाल देना है, बस इतना ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही में हम यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल डाल देते हैं 1/3 कप। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप जितना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी ले सकते हैं, इतना ही। आप सनफ्लावर ऑयल को स्किप करके घी भी डाल सकते हैं, घी में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जितनी भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं, अच्छे से आपको इसको मिक्स भी कर देना है। और ये जो हमने ऑयल डाला है या आपने घी डाला है, तो इसे आपको रब करते हुए आटे में मिलाना है। ये प्रोसेस आप ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं आपकी खजूर एकदम बढ़िया और खस्ता बने तो। तो जैसे ही आप इसमें मोइन बना देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं दूध। आप चाहें तो पानी से भी इस डो को तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 कप दूध लिया है मैंने, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि ये जो आटा है एकदम हम कड़ा गूंदेंगे, यानी जो आटा है हार्ड होना चाहिए हमारा। अगर सॉफ्ट होगा तो हमारे ये जो खजूर है ना, ज़्यादा खस्ता नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। एंड में आपको इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालना है, क्योंकि अभी जो है ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दूध की, तो आप बस स्प्रिंकल करते हुए डालें पानी और इसे लगातार नीड करते रहें, यानी इसे बाइंड करते रहें। और बस ऊपर से मैं और थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ी ज़रूरत और पड़ रही है। यहाँ पर टोटल मेरा 1/2 कप ही दूध लगा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दूध। अच्छे से हमें इसे मसलना होगा, एकदम बढ़िया सा नीड करना होगा। आप देख सकते हैं डो हमारा तैयार हो गया है। जब इस तरह से ये स्टिफ हो जाए, एक डो की तरह बन जाए, तो बस इतना ही आपको नीड करना है। आप देख सकते हैं डो हमारा काफ़ी स्टिफ है। अब डो में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, 1 चम्मच जितना, या घी डाल दें, और इसको हल्का सा मसल देते हैं। तो अच्छे से इसको ऑयल की मसाज दे देंगे और फिर हम इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हमने इसमें सूजी ली है और बेकिंग पाउडर भी डाला है ना, तो बस थोड़ा सा इसे रेस्ट दे देते हैं। तो आटा को आप कवर ज़रूर करें, इसे हम ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम खजूर बनाएंगे। 10 मिनट के लिए जब आप इसे छोड़ेंगे, तो उसके बाद हम इसके खजूर बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब आपका आटा तैयार हो जाएगा, फिर तो आपके खजूर फटाफट बन जाएंगे। तो इसके खजूर बनाना शुरू करते हैं। तो बस आपको नींबू के साइज़ जितना यहाँ पर ये डो ले लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने हाथों में ये डो लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े खजूर नहीं बनाने हैं आपको, जितना खजूर का साइज़ होता है ना, वैसे ही बनाने हैं। फिर आपको इनको हाथों पे रोल करना है। मैंने हाथों पे पहले इनको थोड़ा सा स्मूथ किया, फिर हाथों में रोल करके खजूर की शेप दे दी है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप भी अगर ऐसे हाथों से करेंगे ना, तो ये खजूर की शेप में आ जाएंगे। आप देखिए, एकदम बढ़िया खजूर की शेप आ गई है इन पर। अब आपको इस पर डिज़ाइन दे देना है, जो आपको पसंद है। तो मैं पहले इस तरह से नाइफ से जो है लाइंस बना रही हूँ। और ये जो आप लाइंस या जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, थोड़ा गहरा बनाएं, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद जो डिज़ाइन है ना, वो दिखना थोड़ा कम हो जाता है अगर आप हल्का बनाएंगे तो। तो इसलिए थोड़ा आपको गहरे कट्स लगाने होंगे या गहरा डिज़ाइन बनाना होगा। तो पहले मैंने आड़ी लाइन बनाई, फिर उसी पे आड़ी लाइन और बना देंगे। इस तरह से जो शेप है ना, वो बहुत ही अच्छी आ जाएगी। मैं ज़्यादा ही क्रिएटिव कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सिंपल भी रख सकते हैं, सिर्फ आड़ी लाइन बना के छोड़ सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है दिखने में,
अच्छा लग रहा है काफ़ी। बस थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं या जैसे आपको डिज़ाइन पसंद है वैसे बना सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे ये जो खजूर है ना बना के तैयार कर लेने हैं, उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो बस हाथों पे इस तरह से स्मूथ करा डो को मैंने, फिर गोल किया और फिर हाथों पे इस तरह से आगे पीछे करके इसको खजूर की शेप दे दी है। तो जैसे ही ये खजूर बन जाएगा उसके बाद आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर काफ़ी गहरे कट्स लगाए हैं, आप चाहें तो ये वाला डिज़ाइन भी रख सकते हैं, सिंपल है ये और जल्दी भी बन गया है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएटिव कर रही हूँ और दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये काफ़ी यूनिक सा हो जाता है इस तरह से हम डिज़ाइन देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम अनानास जैसा लग रहा है ये देखिए। तो सारे ये जो खजूर हैं हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने आधे डो के जो खजूर हैं बना के तैयार कर लिए हैं, आधा डो अभी भी बचा हुआ है, पहले हम इन्हें तल लेते हैं। तलने के लिए ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा उसके बाद हम ये खजूर डाल देते हैं, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ऑयल जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म तेल होना चाहिए और हल्के गर्म तेल में ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई गर्म होगा तेल तो ऊपर से खजूर जो हैं बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो बस आपको हल्के गर्म में ही इसे डाल देना है और एकदम लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। हल्का सा टाइम लगता है लेकिन आपके खजूर बहुत ही बढ़िया और खस्ता बनेंगे। और मैंने इन्हें पलट भी दिया है जैसे ही ये बैक साइड से थोड़े ब्राउन हो गए हैं। दोनों साइड से हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद हम निकाल देंगे। एकदम मैंने इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लिया है। लो फ्लेम पे फ्राई करने का बेनिफिट ये है कि लंबे समय तक एकदम खस्ता रहते हैं और जैसे ही इन पे हल्का सा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना आपको निकाल देना है और ये जो खजूर है ठंडे होने के बाद एकदम खस्ता और बढ़िया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो बैच है वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हल्का ही गर्म है, हल्के गर्म तेल में आपको खजूर डाल देने हैं और लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई होने देना है, यानी इनको बिल्कुल ना छेड़ें, इन्हें फ्राई हो जाने दें। और जैसे ही इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद आप इसे निकाल दें। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे तो आधे डो के ही खजूर बनाए हैं और आधे डो के मैंने क्या किया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, बस हाथों में लेके हाथों से ही फ्लैट कर दिया है। आप देख सकते हैं जैसे मठरी होती है ना इस तरह से, मैंने कोई ज़्यादा इसको अच्छा डिज़ाइन भी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं किनारे बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है इसके, लेकिन ये वाले जो खजूर हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनका डिज़ाइन खजूर जैसा तो नहीं है लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी जो लेयर है वो पतली है, बहुत ज़्यादा खस्ता लगती है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही खजूर हमारे फ्राई हो चुके हैं और आपको जो खजूर पसंद है, जो ईजी मेथड लगे आप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये हमारे जो हमारे परफेक्ट वाले खजूर हैं ये हैं जिसको हमने डिज़ाइन देके बनाया है। ये भी बहुत खस्ता है अंदर से, ऐसा नहीं है कि खस्ता नहीं है, ये सुपर खस्ता है क्योंकि इसकी जो लेयर है काफ़ी पतली है और एकदम सिंपल है और बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा इसको आपको। तो जो आपको पसंद है आप उस तरह से खजूर को तैयार कर सकते हैं। आपको आज की ये खजूर की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।